नमस्कार, मैं ममता भूपेश। आप सभी को भारत जोड़ो यात्रा की महिला पीसी के अंदर आप सबका स्वागत है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं लगातार, जैसे जयराम रमेश जी ने आपको बताया है कि 96वां डे आज हमारा चल रहा है और बहुत ही बखूबी हिंदुस्तान का हर राज्य जहां से भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है वहां के लोग इस यात्रा को अपना समर्थन दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर आज हम सब महिलाओं ने राहुल जी के साथ हमें सौभाग्य मिला कि भारत जोड़ो यात्रा का हम लोग हिस्सा बने और ग्रामीण परिवेश की महिलाएं भी, तमाम विभिन्न प्रकार की महिलाओं ने आज राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिला के, कदम से कदम मिला के इस यात्रा में अपना समर्थन दिया, क्योंकि ये मुद्दा महंगाई का है, बेरोजगारी का है। और महंगाई का सबसे ज़्यादा जो भार पड़ता है वो मैं समझती हूँ महिला के ऊपर पड़ता है। आज जिस तरह से रसोई गैस का सिलेंडर का भाव आप देखिए, बाजार के अंदर जाएंगे तो सब्जी, तेल, हर चीज़ का भाव आसमान छू रहा है और उसकी सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो घर की महिला को महसूस करनी पड़ती है। तो राहुल जी आज जो महिलाओं के प्रमुख मुद्दों को लेके इस देश के अंदर यात्रा लेके चल रहे हैं और महिलाओं के समर्थन में, उनकी महंगाई के लिए, बेरोजगारी के लिए और देश में सांप्रदायिक माहौल अच्छा रहे, प्यार प्रेम से हम लोग चलें, ये यात्रा हमारी आगे बढ़ रही है। राजस्थान की महिलाएँ उनका सहयोग दे रही हैं। मैं अपनी लंबी बात आपसे फिर बात करूंगी। एक बार सभी अपना परिचय देके इस यात्रा के बारे में अपनी अपनी बात कहें। मैं रेहाना रियाज, महिला आयोग की अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हूं और मैं अपनी एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले आप सबका स्वागत करना चाहती हूं। आप लोगों ने अपना वक्त निकाल करके हमारी बात सुनने के लिए आए हैं। केवल महिलाओं की आज पीसी है, इसमें आप लोगों ने टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। भारत छोड़ो यात्रा जो है इसमें आज महिलाओं ने काफ़ी अच्छी तादाद में भागीदारी निभाई है और दूर दराज गाँवों से महिलाएं निकल करके आई है। भारत जोड़ो यात्रा में आज महिलाओं ने अपना दिखाया है दमखम और दूर दराज गाँव से महिलाएं आई है उसमें भागीदारी निभाने के लिए। राहुल गांधी जी जिस यात्रा को भारत जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं उस यात्रा में महिलाओं की भागीदारी बहुत अच्छी थी और वो चाहते हैं, राहुल गांधी जिस भारत को जोड़ना चाहते हैं, नफरत को मिटा करके भारत को जोड़ना चाहते हैं। बेरोजगारी की जो मुद्दा राहुल जी उठा रहे हैं उस पर महिलाएं बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा भी बहुत बड़ा है देश में और 2 करोड़ रोजगार के जो थी उनकी वादा उस पर भी वो खरे नहीं उतरे हैं एनडीए के सरकार। तो लोग चाहते हैं बेरोजगारी के मुद्दे पर बात हो और लोग चाहते हैं कि सांप्रदायिक सद्भावना की बात हो और महिलाओं की सुरक्षा की बात हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें महिलाएं अच्छी भागीदारी निभा रही है। उनका समर्थन हमेशा कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को उनकी यात्रा को मिलेगा। रियाना जी खुद भारत जोड़ो यात्रा का मिसाल हैं, प्रभावशाली मिसाल हैं, क्योंकि वो केरला से आती हैं। उनकी मातृभाषा मलयालम थी एक ज़माने में, उनकी शादी हुई राजस्थान में, वो राजस्थान में बस गई, अभी वो राजस्थानी बन गई हैं और राजस्थान के महिला आयोग के अध्यक्ष भी हैं और महिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। पर ऐसा देखा जाए उनकी शुरुआत कोट्टयम, उनका जन्म कोट्टयम में हुआ था, उनका पढ़ाई लिखाई कोट्टयम में हुई थी और उसके बाद शादी राजस्थान में हुई। ये भारत जोड़ो यात्रा अपने आप एक वॉकिंग टॉकिंग भारत जोड़ो यात्रा है। नेता डिसूजा, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं नेता डिसूजा हूँ, मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और खास करके यहाँ पे जो हमारी बहन, जो महिला पत्रकार बैठे हुए हैं आपको, क्योंकि आज का दिन केवल महिलाओं के लिए, हमने आज बहुत महिलाओं को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चलते हुए और राहुल जी से अपनी बातें, जिस तरीके से खास करके महिलाएं राहुल जी को अपने बातें बता रहे थे, जिस तरीके से कई महिलाएं अपनी खुशियां भी बता रही थी, कहीं अपनी पीड़ा भी बता रही थी, कहीं महिलाएं ने कुछ शिकायत भी किया है, उस पर बातें भी किया है और उन चीज़ों पे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज का दिन जो था वो महिलाओं का दिन था और महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खास करके राजस्थान के महिलाओं ने। पर साथ ही साथ हमारे पास, हमारे यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ पे कुछ ऐसे भी महिलाएं थे जो दूसरे प्रदेशों से आए, जैसे कि प्रिया दत्त जी आई थी, फिर कुछ MLAs है, प्रणति जी है और काफ़ी और भी महिलाएं हैं जो दूसरे प्रदेशों से भी आया यहाँ पे राजस्थान महिलाओं के और भारत जोड़ो यात्रा में चलने के लिए। बहनों, अगर हम ये सोचें और भाइयों भी जो पत्रकार है, कि असली रूप में आज ये हमें एहसास हुआ कि जो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, राजनीतिक सशक्तिकरण हम महिलाओं को कहाँ से मिला। हम महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण राजीव जी के कारण 33% जो रिजर्वेशन 74th अमेंडमेंट एक्ट को वो जो लेके आए उनके द्वारा मिला। और आज जिस बड़ी संख्या में कई महिलाएं आके बात कर रहे थे और अपने आप को जब इंट्रोड्यूस कर रहे थे कि मैं ग्राम प्रधान की मेंबर हूँ, मैं सरपंच हूँ, मैं, तो खुशी हो रही थी। और सही मायने में जो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को असली रूप में, राजनीतिक रूप से सशक्त किया, वो यहाँ पे देखने मिला। धन्यवाद। मैं दिव्या मदेरना, विधायक हूँ राजस्थान से। भारत जोड़ो यात्रा, जैसे कि आप देख रहे हैं, अब एक यात्रा नहीं, एक जन आंदोलन बन चुकी है। ऐतिहासिक समर्थन उसको पूरे हिंदुस्तान में मिल रहा है। दक्षिण के बाद जब हिंदी पट्टी के स्टेट्स में आए तो आप देखिए कि ऐतिहासिक रूप उसने सड़कों पर लिया, जिसके आप स्वयं गवाह हैं। आधी आबादी के लिए हर स्टेट के अंदर एक दिन तय किया गया है राहुल जी की तरफ से। बहुत जरूरी है कि महिलाएं फ्रंट लीडरशिप का हिस्सा हों, उनके हाथ में कलम हो जिससे वो निर्णय ले सकें। हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन नहीं, आगे की लीडरशिप कैसे डेवलप करें, एक बहुत गहरी सोच के साथ राहुल जी काम कर रहे हैं। युवाओं और महिलाओं पे उनका हमेशा से खास फोकस रहा है। ये तीसरा स्टेट है जब वो महिलाओं के लिए विशेषकर उन्होंने एक दिन तय कर रखा है कि हर स्टेट के अंदर एक दिन होगा। महिलाएं पार्टी की MLA MP तो हैं जो मिल सकती हैं, आम पदाधिकारी, कांग्रेस के, पंचायत समिति के सदस्य, ब्लॉक लेवल्स के और उस पूरे एरिया के लोग उनसे मिल सकें, संवाद कर सकें, वे उनकी व्यथा और वेदना को सुन सकें। उसके निराकरण के लिए वो तुरंत CM साहब होते हैं या जो भी उस वक्त लीडर साथ में चल रहे हैं, उस वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। कलेक्टर SP को बुलाया जाता है। जैसे आपने कल का एक परिदृश्य देखा होगा, एक बच्ची थी और उसको तुरंत अंदर ले गया और वो बिल्कुल मिलते ही इतने मानवीय भाव के साथ, इतनी आत्मीयता के साथ, वो मिलते ही भावुक हो गई, उसकी तुरंत उसका निस्तारण किया गया। तो मैं ये मानती हूँ कि एक नई उमंग, एक नई उम्मीद इस भारत जोड़ो यात्रा में, विशेष रूप से एक आधी आबादी का जो दिन दिया है, उसे ये संकेत राहुल जी पूरे भारत के अंदर दे रहे हैं, जहां पर कि हम महिलाओं को फ्रंट लीडरशिप में रखने के लिए संकल्पबद्ध हैं। हम राजनीति के द्वार महिलाओं के लिए खोलने के लिए प्रतिबद्ध हैं और अगर वो कोई कर सकता है सही मायने में तो कांग्रेस पार्टी कर सकती है, राहुल गांधी जी कर सकते हैं। बिल्किस बानो का केस हमने देखा था कि किस तरीके से भाजपा शांत थी, महिलाओं का मुद्दा था, कांग्रेस पार्टी ने उसे उठाया। तो कोई भी प्रताड़ना का या महिलाओं को कॉर्नर करने का कोई भी मुद्दा है, उस पर कांग्रेस पार्टी कभी चुप नहीं रही है। ये हमारा संकल्पबद्ध रहे। जैसे कि अभी नेता जी बता रही थी कि महिलाओं का सशक्तिकरण के लिए राजीव जी पंचायती राज में 33% लेकर आए और मैं स्वयं उस पंचायती राज की प्रोडक्ट हूँ कि मैं 33% की जो रिजर्व महिलाओं की सीटें उससे आई थी। एंड मैं राहुल गांधी जी की सोच की प्रोडक्ट हूं कि एक युवा महिला को टिकट देकर आज विधायक के रूप में मुझे जनता की और किसान की आवाज बनने का मौका दिया। नई फ्रंट लीडरशिप को डेवलप करने के लिए, भारत की महिलाओं को सशक्त करने के लिए, नए पायदान पर लाने के लिए भारत जोड़ो से भी हम ये संदेश दे रहे हैं। और मैं आपसे एक विशेष अनुरोध करना चाह रही हूँ कि जब मैं मीडिया की वैन में कई बार करीब जाती हूँ तो विशेषकर जो यंग महिला रिपोर्टर्स हैं जो 10-12 किलोमीटर चलती हैं, उनकी बड़ी ये रहती है कि हम महिलाओं से मिलवा दीजिए। तो मैंने कहा आप कांग्रेस ज्वाइन कर लें तो मैं शायद प्रेस को अंदर ले जा सकूं, उसके अलावा तो मैं ले जा नहीं सकती। तो मैं कोशिश करूंगी कि 3 रिपोर्टर्स हैं, नॉट फॉर एन इंटरव्यू बट पर्सनली, आज महिला दिवस है तो शायद मैं आपको मिला पाऊँ। थैंक यू। आप सभी को नमस्कार। मैं रचना समलेटी, सरपंच हूँ और यही उदाहरण है आप सबके सामने भारत जोड़ो यात्रा का और कांग्रेस पार्टी के महिला सशक्तिकरण का। एक मिसाल के तौर पर एक आदिवासी महिला जो सरपंच है उसको आप सबके सामने बोलने का, रिप्रेजेंट करने का, प्रेस में ये जो अधिकार मिला है ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी की देन है। मैं भारत जोड़ो यात्रा का हिस्सा हूँ, महाराष्ट्र से कंटिन्यू पैदल पदयात्रा कर रही हूँ, तो मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। पर आज जो विशेष दिन महिलाओं का था उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में जब महिलाओं को ये पता चला कि हमसे राहुल जी एक दिन मिलेंगे, एक दिन का समय सिर्फ महिलाओं के लिए तय किया है, तो बहुत सारी महिलाएं रात को 2 बजे राहुल जी से मिलने के लिए हमारे कैंप के बाहर तैयार थी। अब बहुत दूर दूर से, पूरे राजस्थान से महिलाओं ने बढ़ चढ़ के इस यात्रा में हिस्सा लिया है। राहुल जी से मिली, अपने समस्याएं, शिकायत और अनुभव उनसे शेयर किए हैं और बहुत सारा आशीष और आशीर्वाद उनको दिया है इस भारत जोड़ो यात्रा को सफल बनाने के लिए। उन सभी महिलाओं में एक अच्छी ऊर्जा और उमंग का संचार इस यात्रा से हुआ। मैं खुद इस यात्रा में आज जब राहुल जी से मिली तो उन्होंने ये मुझसे कहा कि आज का जो दिन है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के अनुभव सुनने का, उनको यात्रा से क्या संदेश जा रहा है, वो क्या महसूस कर रही हैं, वो सिर्फ वो सुनने का दिन है। तो बहुत अच्छा विशेष दिन रहा, मैं खुद भी मिली। धन्यवाद। नमस्कार, उर्मिला भाया, जिला प्रमुख 12। आज सम्मानीय प्रियंका जी गांधी जी के नेतृत्व में महिला पथ संचालन यात्रा का आज हम लोगों ने पथ संचालन किया। मैं झालावाड़ बॉर्डर से साथ में लगी हुई हूँ। आज जब महिलाओं का संचालन था वो दृश्य देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि महिलाएं भी प्लेटफॉर्म पर आकर के भारत जोड़ो यात्रा का पूरा भागीदारी, हिस्सेदारी निभा रही है और आगे से आगे बढ़ करके उनका साथ दे रही है। स्वर्गीय राजीव जी गांधी जी ने अपने एक्ट में परिवर्तन करके 33% महिलाओं को आरक्षित किया। इसी बदौलत आज मैं जिला प्रमुख हूँ। जिला प्रमुख बनने के बाद मैं 8 ब्लॉक में महीने का राउंड रहता है मेरा। प्रमुख आपके द्वार, उनके बीच में जाती हूँ। वहाँ की छोटी छोटी कार्यकर्ताएं, सरपंच, प्रधान, जो भी सब वहाँ रहती महिलाएं जो घूंघट से बाहर नहीं आ सकती, उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मैं सुनती हूँ और साथ में सारे अधिकारी रहते हैं, उनसे उनका निस्तारण होता है। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि हम गाँव के अंदर जा कर के और उनकी समस्याएं सुन रहे हैं। आज 12 डिस्ट्रिक्ट से भी 5000 कार्यकर्ताएं आज इस रैली में सम्मिलित होगी। आज सम्मानीय राहुल जी से जब हमारी बात हुई तो मैं झालावाड़ से अभी तक आज बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ही पूछा, महिलाओं से ही बात की, उनकी समस्या सुनी। हम लोग सब महिलाएं वहां पर थी, उन्होंने हमसे सुझाव भी पूछे, परेशानी भी सुनी। बहुत अच्छा लगा आज, मतलब अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये क्षण, ये पल हमारे लिए बहुत ही यादगार साबित होंगे आने वाले टाइम में। हम सभी महिलाओं को बहुत गर्व है कि हम इस भारत जोड़ो यात्रा की आज हिस्सेदारी निभा रहे हैं और हम साथ रहे हैं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन करूँगी कि जब तक ये यात्रा चले हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोग जुड़े और इससे जो सम्मानीय राहुल जी गांधी का जो संदेश है कि नफरत को छोड़ो और जो बेरोजगारी कमर तोड़ रही है उससे हमारे लोगों को कैसे ऊपर उठाएं, हिंसा की प्रवृत्ति जो फैल रही है उससे निजात पाएं और भारत में भाईचारा, आपसी व्यवहार, ऊंच नीच, जात पात, उस सभी का भेदभाव मिटा करके एक दूसरा भारत का निर्माण हो। इसी उद्देश्य से आज राहुल जी गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा उनका यात्रा रहा और ज़्यादा से ज़्यादा जन सैलाब इसमें उमड़ रहा है और बहुत अच्छा इससे मैसेज जाएगा। आज सभी महिलाओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद जो अलग अलग क्षेत्र से पधार करके इस यात्रा में अपना योगदान दे रही है और आप लोगों ने सबने सुना, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और मैं समझती हूँ कि कांग्रेस की सरकार जिन नीतियों के आधार पर चल रही है, जो मुद्दों के आधार पर चल रही है, महिला सशक्तिकरण को लेके हमारी सरकार के माध्यम से उड़ान स्कीम जो आप सब लोगों को मालूम है, मैं समझती हूँ सबसे स्ट्रॉन्ग स्कीम हम लोगों ने फ्री सैनिटरी नैपकिन, जो देश में अपने आप में राजस्थान रोल मॉडल बनने जा रहा है और 1,35,00,000 महिला और बच्चियों को हम लोग हर माह फ्री सैनिटरी नैपकिन देके उनके स्वास्थ्य के प्रति, उनकी सेहत के प्रति, क्योंकि महिलाओं के अंदर ज़्यादा से आजकल बांझपन का शिकार हो रही है, यूट्रस कैंसर का शिकार हो रही है, तो जो इस तरह की बातें जो माहवारी स्वच्छता नहीं रखने की वजह से होती हैं, इसलिए हम लोगों ने जो ये उड़ान स्कीम चलाई है राजस्थान की महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। कोविड काल आया, आप सब लोगों ने देखा पूरी देश और दुनिया कोविड काल से ग्रस्त थी, ऐसे समय में हम लोगों ने आईएम शक्ति योजना चलाई और इंदिरा महिला शक्ति योजना के माध्यम से लगभग हमने 2 लाख बच्चियां जो ड्रॉप आउट स्कूल से हो गई थी, जिनको कोविड की वजह से माता पिता ने पैसा आर्थिक समस्या की वजह से उनको स्कूल से कॉलेजों से निकाल लिया, तो उनको हमने वापस स्कूल कॉलेज के अंदर दाखिला करा के मुख्य धारा से जोड़ा। हमने उद्यम प्रोत्साहन योजना चलाई और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि लगभग 40 लाख महिलाएं राजस्थान की उद्यम प्रोत्साहन योजना से जुड़ चुकी हैं और 40 लाख महिलाएं अपने आप को स्ट्रेंथ महसूस कर रही हैं। 1 करोड़ की सब्सिडी, 1 करोड़ तक की हम लोग लोन दे रहे हैं, उसमें हम लोग 25% सब्सिडी राजस्थान की महिलाओं को, स्टार्टअप्स को दे रहे हैं, जिससे वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। और जो इंदिरा गांधी जी ने सोचा था, जो राजीव गांधी जी ने सपना देखा था महिला सशक्तिकरण का, वो सपने को हम लोग महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ के साकार कर पाए। आज हमारी सरकार महिलाओं के, बच्चियों के हर स्तर पर, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल्स की बात कर लें, चाहे आप चिरंजीवी योजना की बात कर लें, आप सब लोग पत्रकार साथी रोजाना देखते हैं राजस्थान सरकार की स्कीमों के माध्यम से लाखों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। हमारा मुद्दा यही है कि राजस्थान सरकार कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हम सब लोग चल रहे हैं और गरीब को गणेश मान के कल्याण करने के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। हम अंतिम छोर तक, जो हमारी पार्टी का मूल मंत्र है, जो राहुल गांधी जी चाहते हैं, जो हमारे खड़गे साहब अध्यक्ष जी चाहते हैं, हमारी प्रिय नेता सोनिया गांधी जी चाहती हैं कि हमारी महिला सशक्त हो, हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंच के उसको विकास की योजनाओं के माध्यम से जोड़ सकें। ये सपना साकार राजस्थान की सरकार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कर रही है और मुझे लगता है कि हम लोग इस बार 4 वर्षों के कार्यकाल के अंदर महिला सशक्तिकरण के बहुत से मुद्दों को छू पाए हैं और लाखों महिलाओं तक हम लोग पहुंच पाए हैं जिनको जरूरत थी सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं की। थैंक यू।